हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था कि हम आज फिर आप सब लोगों से मुलाकात करेंगे, तो अपने वादे के मुताबिक हम लोग हाजिर हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सब लाफ्टर चैंपियंस के लिए। अब कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि सीधा जो कैमरा है अलबेला साहब के मुंह पे मारा जाए। अब मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ये काफी देर से ना इनका मन था, इनका मन ना वो वाली भुआ की तरह हो गया था जिसके पति को सम्मान नहीं मिलता ना शादी में। अलबेला मेरा भाई, जोरदार तालियां अलबेला के लिए। देखो, आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू बातों में कोई मतलब नहीं है। अभी एहसान भाई कह रहे थे, बोले मैं 24 देश गया, होता है लड़कियां ज्यादा कहती ऐसे, मैं अमेरिका गई, मैं न्यूजीलैंड गई, मैं लंदन गई, भले यही पनवेल में पड़ी पड़े ही लिख देगी सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ गई। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। मैं सच बताऊं, मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव से आपके बीच में आया हूँ और भगवान कसम मैं वापिस भी वहीं जाऊंगा। क्योंकि एक बात बताओ, अपन अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन घूमते फिरे और अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है फालतू बात। देखो क्या है कपिल भाई, हम कवि लोग हैं, हम 50% पागल होते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, आप 100% हम तो 50% ही होते हैं, 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। वाह क्या बात है। देखो मैं क्या है, ज्यादा लंबी कोई बात नहीं करता, अपन छोटी छोटी बात ही करते हैं। मैंने क्या है, एक बार दिल्ली में लंबी कविता सुना दी, तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा एक चीफ गेस्ट मर गया। हंसने की बात नहीं है, बात यह है कि पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई, बोले तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे चीफ गेस्ट को मार दिया, अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब, वो चीफ गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। और भगवान कसम मेरी बहुत सारी कविताएं तो 10-20 साल से आधी अधूरी चल रही है। तो ऐसा करना पड़ता है, आदमी को क्या है, दिमाग से काम करना चाहिए, और मैं तो दिमाग से ही काम करता हूँ। आपने जितने भी कॉमेडियन बुलाए, इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है। मैं तो एक दिन क्या है, एक दुकान पे चले गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 5 किलो चावल दो। वो बोला काई में लेके जाएगा। अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा। अरे मैंने कहा ये थैला लाया ना, इसी में मिक्स कर दे मेरी लुगाई, फिर ये बीणती रहेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा। अरे मैंने कहा तू तो मिक्स कर दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को काई बात की प्रॉब्लम है। अब जैसे ही मैं थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़ अपने को, काई बात की। इतनी टेंशन पालनी नीचे। और अन्न कौन उगाता है, गेहूं ज्वार बाजरा कौन उगाता है? इस देश का सबसे बड़ा कोई हीरो है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय हाय एवरीबॉडी, हाउ इज, मतलब मैं सबसे ज्यादा शक्लें देख रहा हूँ यहाँ लोगों की, ये लोग सोच रहे हैं इतना तो रहेगा नहीं तो मेहनत क्यों कर रहे हैं। क्या रहमान भाई सच बोलने लगे आप। मैं सबके जोक के बाद एक महिला को देख रहा हूँ, वो लिख रही है। मौत का फरिश्ता होता ना कि तू तो मरा, ये तो जाएगा।
तो हाँ वो लिख रही है हमारे ये चैनल से, रहमान भाई चैनल से। हाँ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो उर्दू की जो मैं बताता हूँ, मेरे घर से कॉमेडी शुरू हुई। पर रहमान भाई सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ, पर आपकी उर्दू जो है जी वो इतनी कमाल की है, लफ्ज की नॉलेज होना उसको प्रोनाउंस करना, जो हमारा प्रोनाउंस भी गलत हो गया। तो कपिल भाई ऐसा कि उर्दू तो माशाल्लाह बहुत से लोग अच्छी बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जहां नुक्ता नहीं वहां भी लगा देते हैं, वहां भी हाँ। वो एक्स्ट्रा बोलते हैं, जैसे पूछेंगे और भाई साहब खाना खाया? बहुत ब्रिलियंट। मैं बोला ऐसा तो किसी के बाप ने नहीं खाया। कपिल भाई जैसे हम थिएटर भी बहुत करते हैं, तो थिएटर में बहुत सारे लोग जो है घर चलाने के लिए यहाँ पर अंधेरी में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। हाँ। इंस्टीट्यूट। और वो लोगों को सिखाते हैं। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ऐसी इंस्टीट्यूट खोली, मैं भी बोला तू भी आजा आज मेरा लेक्चर है, और उन्होंने सबको सिखाया, बोले एक्टिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिक्शन, भाषा। बोले भाषा मतलब जो तेरे पास नहीं है। उर्दू की बात चली तो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि अगर उर्दू बोलने वाला एक आदमी, और जैसे मेरा मुंबईया कैरेक्टर भी बहुत मशहूर है, अगर झगड़ा हो रहा है आपस में और एक मुंबई वाला उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो एक उर्दू वाला उससे कहता है कि मोहतरम आपकी बदतमीजियां और बदकलामियां शबो रोज बढ़ती जा रही है। वाह वाह वाह। तो बोलता बोला क्या? बोला रात दिन बहुत पका रहे छोटे। बोले मोहतरम अपने दस्ते पा को हमारे रुखे जैबा की जानिब से हटा लीजिए। बोले क्या? बोले खजुए मुंह पे से हाथ हटा। और हमारे घर से उर्दू शुरू होती, मेरे वाले साहब टीचर संस्कृत भी पढ़ाते थे, मतलब उनको तो उर्दू मैंने सीखी, और बड़ा शायराना माहौल था घर में, क्योंकि नाम ही शायराना रखे थे। क्या? मैं सबसे बड़ा रहमान, फिर इरफान, फिर रिजवान, फिर इमरान, फिर एहसान, फिर फैजान। बाजू वाले कंफ्यूज हो गए, खान साहब के घर में बच्चे हो रहे, मुशायरा हो रहा है यार। मैं अभी सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा बोल के कुछ मतलब नहीं है ना अनुकल। लालच भी ना, इतना बड़ा मंच मिला है ना कि ऐसा लगता है कि क्या क्या बोल दूं कि मेरा हो जाए आज। अरे अरे अच्छे। मैं भी देखता हूँ ये शो, हम ऑन एंड ऑफ देख लेते हैं, लेकिन ये शो कितना बड़ा है। मेरा बच्चा ही इज इन 10th स्टैंडर्ड, मैंने बताया नहीं था कि आज के शो में जा रहा हूँ, कभी कभी लास्ट में बोल देता कि तू नहीं है। अभी भी बताना मत, ये एडिट में भी काट देते हैं। देख भाई ठाकुर बहुत कटवाई, पूरी पूरी एंट्री कटी हुई है, तेरी किसी और वजह से कटी थी। नहीं और सीरियस नोट कपिल भाई, मतलब मैं ऐसी घर में बताया, मैंने बच्चे को बताया कि पता आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं द कपिल शर्मा शो पे जा रहा हूँ, कसम खुदा की बता रहा हूँ, मेरा बच्चा रोने लगा। वो रोने लगा क्योंकि इतने टाइम्स उसने मेरे घर पे बैठा हुआ देखा है, उसको लगा आप टीवी पे दिखेगा भी तो द कपिल शर्मा शो में, तो स्टार्टेड कराएंगे। बस ये बात लव यू भाई, तो मैं यहाँ आया, मेरा अचीवमेंट है। मैं इधर रहमान भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं बखुदा बता रहा हूँ, तो मैं कपिल भाई एक हम राजू भाई के साथ एक किस्सा बता रहा हूँ जो रियल इंसिडेंट है। हम मिडिल ईस्ट में कहीं शो कर रहे थे, और इत्तेफाक से सारा सब क्लियर करके हम लोग आए, बैगेज वैगेज, तो बाहर निकले तो वहाँ जो अरबिक जो पुलिस होती है ना वो बड़ी सख्त होती है, उनकी उनकी लैंग्वेज भी अलग है। उसने देख लिया हम लोग को और उसने मुझे छोड़ के राजू भाई को पकड़ा, ताल खेना ईशान दख आफ्ता ईशान का। राजू भाई बोलते तेरे को समझ में आ रहा है? मिला मैं उतना मुसलमान नहीं हूं। क्या बात है, और उसके बाद मुझे भगा रहा है राजू भाई को, उसने बिठा दिया और आधा घंटा हो गया, ये राजू भाई को छुड़ाएगा कौन, अरबी समझ नहीं रहा है, मैं इसको कैसे बोलूं। और मैं राजू भाई वहां आके इशारा कर रहा हूँ, राजू भाई क्या, राजू बोलते जाओ जाओ जाओ, वो थोड़ा सॉफ्ट बात करते हैं, नहीं तुम जाओ, अगर तुमको बिठा लिया तो फिर दोनों को कौन छुड़ाएगा। ऑर्गेनाइजर आए और किस्सा तमाम। जब मैं यहाँ आया तो मैंने जब राजू भाई का यह हंसता हुआ चेहरा देखा तो मेरे दिमाग में एक दो शेर बजने लगे अपने आप, शायद वो कहना चाहते हैं कि
मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे। वाह वाह, मुस्कुराओ मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह पे नमी लौटे। हाय हाय, लबों पे जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। राजू भाई, जैसे ग्रेट लोग जाते हैं तो फिर मुझे वो लाइन याद आती है कि फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे। यार क्या बात है यार। और कहानी खत्म हुई, दास्तां खत्म हुई, और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, रहमान भाई मैंने आज बड़े सालों बाद आपको देखा है लाइव करते हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है रहमान भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, लव यू यार, क्या बात। अब उस इंसान की बारी जिसका जब सिलेक्शन हो गया ना लाफ्टर चैलेंज में, उसने बड़े बंदे सताए कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, बाकियों का मुझे पता नहीं। और वो बंदा है राजीव ठाकुर। और हम लोग कॉलेज के टाइम से दोस्त हैं सुनील भाई, और हम लोग साथ में थिएटर करते रहे हैं, बाकी ये आपको खुद बताएंगे। यार आप बार बार बोलते हो ना कॉलेज के टाइम के दोस्तों, ऐसे शक होने लगता है यार। भाई मैं आपके बारे में बोलता पर आप तो स्कूल भी नहीं गए। चलो फिर राजीव, हाँ निकालो कीड़ा आज। थैंक यू वेरी मच। बड़ा शुक्रिया आपका। तो अर्चना जी, मैं अभी यहाँ बैठा था जो देख रहा था, तो मैं ना वैसे मन में सोच रहा था कि जिंदगी में जितनी भी खूबसूरत और लैविश चीजें हैं वो महिलाओं के हिस्से में आई हैं। हाँ। मर्दों के हिस्से में नहीं आई। क्यों क्यों, कौन बोला? तुझे गरीब आदमी समझ में नहीं आ रहा, लास्ट रो मिली है तेरे को, इससे ज्यादा और क्या तेरे को पता लगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।